अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्किल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर सिम किसी और के नाम पर है, शनाख्ती कार्ड आपका है या शनाख्ती कार्ड आपका है और सिम किसी और के नाम पर है, तो क्या आप अपना इजी पैसा या जैश कैश अकाउंट ओपन कर सकते हैं या नहीं? ठीक है, तो मतलब सेम आप सिम भी आपके नाम पर हो, शनाख्ती कार्ड भी आपके नाम पर हो, वैसे तो ये आसानी से बन जाता है, ठीक है, आपका इजी पैसा अकाउंट और जैश कैश अकाउंट। लेकिन अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा है तो इसका क्या जवाब है बताता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। तो इसका जवाब हाँ में भी है और ना में भी है। हाँ में किस तरह है? अगर आप जो है वो इजी पैसा और जैश कैश अकाउंट टेलनार या जैश सिम पर बना रहे हैं, मतलब इजी पैसा अकाउंट टेलनार सिम पर बना रहे हैं और जैश कैश अकाउंट जो है वो जैश सिम पर बना रहे हैं, ठीक है, और आप जो है वो कोड यूज़ करें USSD, ठीक है, *786 हैश कोड, ठीक है, तो उस वक्त जो है वो आपको अपना आईडी कार्ड नंबर देना पड़ता है। जिसके नाम पर सिम है वही शनाख्ती कार्ड आप नंबर आप देंगे तभी आपका जो है वो अकाउंट बनेगा। लेकिन अगर जो है वो आप इजी पैसा ऐप और जैश कैश ऐप से जो है वो अकाउंट बना रहे हैं तो फिर शनाख्ती कार्ड किसी और का हो और सिम आपके नाम पर हो तो फिर भी जो है वो आपका अकाउंट बन जाएगा। लेकिन मैं इस चीज़ को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, इसमें आपको जो बाद में मसले होते हैं, ठीक है, तो आप जिसके नाम पर सिम है उसी की शनाख्ती कार्ड पर जो है वो इजी पैसा और जैश कैश अकाउंट बनाएं, ये रिकमेंडेशन मेरी है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ वाले बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।